हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र में निकली भर्ती के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जिसमें फ्रेंड ड्राइवर, ट्रेनी और स्टाफ नर्स की वैकेंसियां निकली हैं। इसके लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी और सारे महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए तरह तरह की जो पोस्ट, जैसे कि टीचर, आपकी पुलिस, आर्मी और जो कि 10th 12th और ITI अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएशन से रिलेटिव, बैंक कर्मचारियों की, ठीक है, और जो कि साइंटिस्ट पोस्ट की, जो कि आपके आपके GRF और इन तरह तरह की जो वैकेंसी निकलती है और एग्जाम निकलते हैं, ठीक है, इनके ऊपर मैं वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो कि हमारी भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र में निकली भर्तियों के बारे में, इसके जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर इसके पास चलते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे सकते हैं 01/2021 R1। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट इसकी एप्लीकेशन 15/2/2021 है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एलिजिबल कैंडिडेट अपॉइंटमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट RMRC रेडिएशन मेडिसिन रिसर्च सेंटर कोलकाता एंड बराक आपकी मुंबई में। यहाँ पे पोस्ट एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आप पोस्ट कोड देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं RMRC या BRMRC की है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज दे रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल साइंटिस्ट ऑफिसर ई न्यूक्लियर मेडिसिन, मेडिकल साइंटिस्ट ऑफिसर डी न्यूक्लियर मेडिसिन की वैकेंसी है, नर्स की है, सब ऑफिसर की है, फार्मिस्ट की है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की है, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, टोटल 53 है और UR की 21, इकनोवी सेक्टर की 4, OBC की 23 और आपकी ST की 4 है और SC की 1, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी कैटेगरी कंप्यूटर साइंस, हेल्थ फिजिक्स और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, ठीक है, यहाँ पे आपकी वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी टोटल नंबर वैकेंसी 10 है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें, मेडिकल साइंटिस्ट ऑफिसर ई की आपके देख सकते हैं MS या MD इक्विवेलेंट न्यूक्लियर मेडिसिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 4 साल का एक्सपीरियंस होती है। आपका एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मेडिकल साइंटिस्ट ऑफिसर डी की न्यूक्लियर मेडिसिन के MSD की या DNB की फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर डी, यहाँ पे आप देखते हैं MSc विद 60% आपका DMRIT, DNMT या DFIT विद 50% प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc NMT विद 60% मार्क, 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे आपको DMRIT के बारे में पूरा बता रखा है, क्या है DFIT के बारे में भी बताए, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नर्स की यहाँ पे देख सकते हैं 12th स्टैंडर्ड और साथ में डिप्लोमा नर्सिंग मिडवरी, 3 साल का कोर्स, वैलिड रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स सेंट्रल या स्टेट काउंसिल इंडिया में, या आपका BSc नर्सिंग, या आपका दे सकते हैं नर्सिंग ए सर्टिफिकेट, 3 ईयर एक्सपीरियंस हॉस्पिटल नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 अबव द फ्रॉम आपका आर्म फोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट कोड दिखाया है, हमारी जो वैकेंसी सब ऑफिसर बी की। यहाँ पे हाई स्कूल 10+2, ठीक है, HSC साइंस विद केमिस्ट्री इक्विवेलेंट 50% मार्क प्लस सब आपका पास ऑफिसर होना चाहिए कोर्स, आपका नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से नागपुर या और आपका इधर 1 या 2 मेंशन बिलो, ठीक है। यहाँ पे 12 ईयर आपका देखते हैं, आपका जो है 5 साल का आपका लीडिंग फायरमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आउट ऑफ विच 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मस्ट बी आइदर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, या आपका 15 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फायरमैन, ड्राइवर कम ऑपरेटर, आउट ऑफ विच जिसमें 2 साल आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस मस्ट बी ऑब्टेनिंग द रिक्वेस्टिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। साइंटिस्ट असिस्टेंट की न्यूक्लियर मेडिसिन आपको टेक्नोलॉजिस्ट की दे सकते हैं, BSc विद 60% मार्क, DMRIT, ठीक है, DNMT, DFIT विद 50% होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा इन फ्यूजन इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी में 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर BSc NMT विद 60% प्लस आपका 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक। यहाँ पे साइंटिस्ट असिस्टेंट बी की
क्योंकि बीएससी विद 50 आपके 60% होना चाहिए, फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद 60% या बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 60% मार्क होने चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में बीएससी विद 60%, यहाँ पे आपको सेम दे सकते हैं 50% डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी, यहाँ पे डिप्लोमा न्यूक्लियर मेडिकल आपका टेक्नोलॉजी में होना चाहिए फ्यूजन इमेजिनिंग में, या बीएससी एनएमटी में 60% मार्क होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफी में सेम आपका बीएससी रेडियोग्राफी में 60% या बीएससी में मिनिमम 50% मार्क और 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। फार्मिस्ट बी की दे सकते हैं, आपके फार्मिस्ट की दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 10+2 3 ईयर डिप्लोमा फार्मेसी इन 3 ईयर ट्रेनिंग इन फार्मेसी वैलिड रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी विद सेंट्रल या स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है। ड्राइवर कम ऑपरेटर आपका कम फायरमैन का, यहाँ पे सेम इसी तरीके 10+2 आपका साइंस विद केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट मिनिमम आपका यहाँ पे दे सकते हैं 50% मार्क। वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का आपको होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच ऐसे फायर एजुकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं TR-01 से स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी कंप्यूटर ऑपरेटर की, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स विद 60% मार्क होना चाहिए। एग्रीगेट ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा आइदर भी 3 ईयर आफ्टर SSC, ठीक है, या आपका देख सकते हैं 2 ईयर आपका आफ्टर HSC BC या BSC, ठीक है। तो यहाँ पे हाई स्कूल के या उसके 2 ईयर आपके उसके HSC के बाद, ठीक है। यहाँ पे आपका हेल्थ फिजिक्स की देखते हैं BSc फिजिक्स केमिस्ट्री से विद 50-60% मार्क होने चाहिए, जूलॉजी बॉटनी से एज सब्सिडरी सब्जेक्ट होनी है, मैथ एज ए मैंडेटरी इन HSC, ठीक है। स्टीपन ट्रेनिंग आपके कैटेगरी 2 लेबोरेटरी टेक्नीशियन में देखते हैं HSC साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी विद मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए एग्रीगेट। स्टीपनरी आप देख रहे हैं ट्रेनिंग कैटेगरी 2 आप देख रहे हैं HSC साइंस विद 60% मार्क 2 ईयर डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट और 15-2 इमोनुएट स्टेपेंट ग्रुप दे रखा है उसके बारे में दे सकते हैं, आपका ग्रुप के बारे में दे रखा है, लेवल आपका पे लेवल दे रखे हैं यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एज के बारे में दे रखा है, बाकी आपके एज रिलेक्शन है उनके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है आपको, जो स्टीपेंट ट्रेनिंग है फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर में इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ पे आपको सैलरी जो मिलेगी उसके बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो बाकी मैंने जानकारी बताई, यहाँ पर एज रिलैक्स आपका जो यहाँ पे रहेगा वो दे सकते हैं, आपका 10 साल का रहेगा फिजिकली डिसेबल वालों के लिए जो कि UR कैटेगरी में OBC में 13 और 15 साल रहेगा ST के में, ठीक है। सिलेक्शन मेथड की बात करें यहाँ पे देख सकते हैं आप TR-01 से लेकर TR-09 तक सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस प्रोफेशनल इंटरव्यू इन द केस रेस्पॉन्स मोर द रिसर्च सेंटर रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट वी कॉल्ड इंटरव्यू बाई कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। आप TR-01 से एंड TR-0 रिटन टेस्ट होगा, 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्ट विल बी कंप्रोमाइज 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क अगर आप गलत करते हैं तो उसके काट लिए जाएंगे। द सिलेबस विल फॉर द सेट एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्ट और डिप्लोमा BSc लेवल के होंगे, ठीक है। दोस्त जो कि आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे शॉर्ट लिस्ट पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन विल बी आपका होगा उस पर इंटरव्यू के, नो वेटेज विल बी गिवन, ठीक है। आपका यहाँ पे स्कोर रिटन टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव डिसीजन और रिसर्च सेंटर रिगार्डिंग फाइनल DR के आपका जो है DR-4 and 10 TR-03 and 04 का यहाँ पे Stage 1 Stage 2 Stage 3 प्रीमियरली आपका देखिए होगा। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन हेल्ड शॉर्टलिस्ट कंटिन्यू फॉर्मेटिंग स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट मल्टी 50 क्वेश्चन होंगे, 4 आपके क्वेश्चन होंगे मल्टीपल क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। 1 आवर का समय होगा, मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20, जनरल अवेयरनेस के 10 होंगे। आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर नेगेटिव का होगा। कैंडिडेट स्कोरिंग जनरल कैटेगरी 40% लाना, 40% से ऊपर, और जो कि SC ST है उनको यहाँ पे 30% का दे रखा है, ठीक है। सेकेंड स्टेज होगा एडवांस स्टेज, ऑल कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी Stage 1 होगा, अलाउड टू टेकिंग Stage 2 द टेस्ट टेस्ट विल बी कंप्लीट 50, आपको उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर का होगा, 3 मार्क देंगे, 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। मेरिट लिस्ट भी कैंडिडेट प्रिपेयर Stage 2 बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन Stage 2, ठीक है। तो आप Stage 2 के हिसाब से आएगा कैटेगरी, आप यहाँ पे दे सकते हैं जनरल कैटेगरी 30% ऊपर लाने हैं और SC ST कैटेगरी के रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे 20% लेके आने, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा फिर इसका बेस्ड अपॉन द मेरिट लिस्ट आपके Stage 2 के
शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट स्टेज थ्री में जाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट आपके स्किल टेस्ट और डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट क्वालिफाइंग। स्टेज टू विल बी नॉट बी एक्सीड 4.5 टाइम, यहाँ पे 4 से 5 गुना आपके लिए जाएंगे बच्चे नंबर ऑफ वैकेंसी ईच स्टेज। द स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन द गो एंड नो गो पे बेस हो जाएंगे, यानी अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो ये आप गो एंड नो गो पे बेसिस पे होंगे, ठीक है। या तो आओगे या तो चले जाओगे, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट या रिजेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं DR05 और DR11 का सिलेक्शन आपका 1, 2, 3 स्टेज पे होगा। इनके बारे में भी यहाँ पे आपको दे रखा है, तो दे सकते हैं यहाँ पे, दे सकते हैं जो हमारा इसके आ रहा है स्टेज 1 स्टेज 2। यहाँ पे स्टेज 1 आपका वो फुलफिल द रिक्वायरमेंट वी कॉल असाइनमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेबल 1 पर दे रखा है, मैं दिखा दूंगा। 10 मिनट में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर लेंगे उनकी मैच हो जाएगा, उसका असाइनमेंट टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट होगा टेबल 2 में आपको दे रखा है। स्टेज 2 प्रीमिली टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि 1 आवर ड्यूरेशन का, मैथमेटिक्स के 20 और क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 होंगे, जनरल मेरिट्स के 10 होंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन के 10 3 नंबर मिलेंगे और एक गलत करने के मिलेंगे। स्कोर यहाँ पे कुछ इस तरीके से 40% रहेगा जनरल कैटेगरी का, ठीक कैटेगरी का। एडवांस आपका स्टेज 3 है, यहाँ पे देखिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट स्टेज 2 जो आप देख सकते हैं प्रीमिली आपका एलिजिबल एडवांस टेस्ट 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, विल बी देयर यहाँ पे 2 आवर का संबंध है 50 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मार्क दिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन के 1 आपको सही करने पर 3 मार्क दिए जाएंगे और गलत करने पर आपको 1 नेगेटिव मार्क दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30% आपका स्कोर है लेके आना है जो कि जनरल कैटेगरी है, 20% स्कोर लेके आना है आपके रिजर्व कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि मैंने यहाँ पे आपको पहला ये क्लियर करना पड़ेगा स्टेज 1 का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हाइट आपकी 165, वेट 50 किमी और 50 किलोग्राम, चेस्ट 81 सेमी और मिनिमम, ठीक है, नॉर्मल और आपको जो एक्सपेंस करके 86 है। विजन यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके बारे में देखते हैं। फिजिकल असेसमेंट टेस्ट टेबल 2 का दे रखा है, शुड बी एबल टू रन 100 मीटर, यहाँ पे आपको समय दे रखा है 25 सेकंड और आपको आयु के हिसाब से दे रखा है 40 से 45 28 45 से 30 सेकंड। शुड बी एबल टू 4 लेंथ हाउसेज ईच 15 मीटर आपको एप्लीकेंट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। शुड बी एबल टू क्लिम एक्सटेंशन लेडर 10 मीटर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। शुड बी एबल टू कैरी ए पर्सन आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको अपने वेट के बराबर का 25 मीटर तक दौड़ना 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। शुड बी एबल टू पुश अप कंटिन्यूसली 20-15 आपको इतना समय दे रखा है। शुड बी एबल टू 1.6 किमी इन 10 मिनट 12 मिनट 14 मिनट। रॉ वर्टिकल पाइप क्लिंब आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपका टेबल 2 है, तो इस हिसाब से आपका ये रहेगा फिजिकल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये सब मैंने जानकारी दे दी है। टोटल ड्यूरेशन आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 2 ईयर का। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दे रखा है, ग्रेड ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ट्रेनिंग के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नर्स ऑफ ड्यूटीज के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं अपनी वैकेंसी के हिसाब से जो जो आपकी ड्यूटी है उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बता रखा है, यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में बता रखा है, 500 रुपये फीस है, ठीक है। यहाँ पे DR01 और 150 रुपये फीस है आपकी DR04, 09 और 1 जो कि 1, 2 के लिए 100 रुपये फीस है। DR आपकी यहाँ पे इनको दे सकते हैं 100 रुपये फीस है, ठीक है, 150 रुपये इसकी फीस है। यहाँ पे जनरल कंडीशन के बारे में दे रखा है, वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेन डिटेल थी मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर कर दी है फ्रेंड, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिट एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने आप लोगों की सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने कवर कर ली है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें। देखिए साइनअप करने के लिए यहाँ पे आपको करना है इस पे लिंक पे क्लिक, तो मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बता दे रहा हूँ किस तरीके से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसका पूरा वीडियो अलग से बना दूंगा किस तरीके से आवेदन करना, तो वो जानकारी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड। ये अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, डेली आप लोगों को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।